मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन विद डीपी में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ शारदा मैहर के दर्शन के उपरांत हम सभी लोग वैश्विक धरोहर खजुराहो का भ्रमण करने के लिए चल रहे हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं भव्य मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। खजुराहो के मंदिरों की कलाकृतियाँ एक सभ्य संदर्भ जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति हैं, मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती और सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती हैं। साथ ही विभिन्न काम क्रीड़ाओं की कलाकृतियों को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। मैहर से खजुराहो के बीच में फौजी ढाबा पड़ता है, जहां हम सभी लोग चाय पीने के लिए रुके। ये बहुत ही साफ सुथरा ढाबा है। यहाँ की विशेषता है कि सारा भोजन लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। साथ ही लकड़ी के चूल्हे पर बन रही रोटियों को देखकर भोजन करने का मन हुआ। हम सभी ने यहाँ के भोजन का पूरा आनंद लिया और चल दिए खजुराहो। खजुराहो को लेकर हम सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके समाधान के अब हम सभी काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप खजुराहो को अच्छे से समझ पाएंगे। खजुराहो में रेलवे स्टेशन के साथ साथ हवाई अड्डा भी है, जहाँ से आप बहुत आसानी से ये विश्व प्रसिद्ध मोनूमेंट देखने आ सकते हैं। फाइनली अब हम खजुराहो पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कवि कालिदास की जो नायिका ना शकुंतला का वर्णन किया है कि शकुंतला इतनी खूबसूरत थी कि जब स्नान करके सरोवर से निकलती थी तो उसके बालों से जो पानी की बूंदें टपकती थी मोतियों के समान सुंदर दिखलाई देती थी। यहाँ पर देखो हंसों का जोड़ा बैठा है, ये हंस पानी की बूंदों को मोती समझ करके ब्रह्मवश शकुंतला के पीछे पीछे चल दिया करते थे। अभिज्ञान शकुंतला में बहुत खूबसूरती से शकुंतला की सुंदरता को डिस्क्राइब किया है कवि कालिदास ने, ठीक है ना। खजुराहो पहुंचकर हम सभी का पहला कार्य था उपयुक्त गाइड का चयन करना, सो हमने एक गाइड किया और यहाँ का एंट्री टिकट लेना। यहाँ का एंट्री टिकट काउंटर है। एंट्री टिकट प्रति व्यक्ति 20 रुपये है, जो हमने ऑनलाइन निकलवाया। मित्रों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको भविष्य की वीडियो प्राप्त होती रहें। आइए अब चलते हैं और देखते हैं खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध मोनूमेंट गाइड के साथ। ये हमारे गाइड हैं, इनका पूरा परिचय। मेरा नाम है सुधीर कुमार के। जी जी। ये 10-12 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी जी, चलिए ठीक है, हम इनके साथ में। आपका नंबर डाल देना। जी जी जी, ठीक है, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इनके साथ हम घूमते हैं खजुराहो। पहले हम क्या है कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस खजुराहो, यस, और जो चंदीला डायनेस्टी है उसके बारे में देंगे और उसके बाद मंदिर भी देखेंगे। जी जी जी, ओके, आइए चलते हैं। खजुराहो ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि लखनऊ से चल कर के आप ये विश्व प्रसिद्ध मोनूमेंट को देखने के लिए आए हैं। जिस जगह आप लोग खड़े हैं इसको वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द चंदेला डायनेस्टी बिटवीन 9th to 12th century के बीच में चंदेलाओं के द्वारा यहाँ पर 85 टेंपल का निर्माण किया गया था, बट टिल डेट ओनली 22 टेंपल्स आर रिमेनिंग विच आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। सो मेन ग्रुप इज़ द वेस्टर्न ग्रुप, है ना, और इसका जो अपोजिट ग्रुप है वो ईस्टर्न ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जैन ग्रुप है। और जो सदर्न साइड में दो छोटे छोटे टेम्पल, एक दूल्हादेव टेम्पल, एक चित्रकूट टेम्पल, ठीक है। क्योंकि जितना भी स्कल्पचर वाला जो पार्ट है वो वेस्टर्न ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। जो वेस्टर्न ग्रुप है उसका एरिया 28 acres है, 28 acres में देयर आर 11 टेम्पल लोकेटेड, ठीक है ना। उन 11 टेम्पल में से 3 बड़े मंदिर हैं। एक जो सबसे सामने देखना सबसे सुंदर सबसे संरक्षित ऑर्नामेंटेड टेम्पल, इसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, जो गॉड लक्ष्मण से कोई रिलेशन नहीं होता, ये राजा के नाम पर बनाया जाता है, ठीक है ना, विष्णु जी। और जो सबसे सामने टॉलेस्ट टेम्पल है ना, इसको कंदरिया महादेव के नाम से जाना जाता है, बीच वाला ये सामने जो पेड़ों के सामने। और ये जो वाइट टेम्पल के जस्ट बिहाइंड में ना पीछे टेम्पल दिखलाई दे रहा है, ये भी एक बड़ा टेम्पल है, इसको विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव जी को समर्पित किया गया, ठीक है ना। और इसके सामने जो छोटी सी श्राइन है ना, नंदी श्राइन, वो भगवान व्हीकल ऑफ शिवा का वाहन है नंदी। मोनोलिथिक प्रतिमा सिंगल स्टोन कट करके बनाए, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है।
प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र को वत्स गणराज्य के नाम से जाना जाता था। मध्य काल में आते आते इस क्षेत्र को जयजाग भुक्ति के नाम से जाना गया, बिकॉज चंदेल डायनेस्टी का एक जो किंग था उसका नाम था जयजाग। आधुनिक काल में जितना सेंट्रल इंडिया से लगा हुआ पार्ट, इसको आधुनिक बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, ये जितने भी मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इस पूरे एरिया में, वेस्टर्न ग्रुप में, सारे के सारे इनएक्टिव टेंपल हैं, कहीं पूजा अर्चना नहीं होती इसमें। पूजा अर्चना के लिए जो है ना, बगल में जो फ्लैग लगा हुआ है टेंपल, इसका जो पैसेज अलग से रास्ता, ये मतंगेश्वर के नाम, मतंगेश्वर का टेंपल। पूजा अर्चना क्यों नहीं होती, मैं बता रहा हूँ उससे ब्रीफिंग में। तो इसमें जो है 9 फीट ऊँचा शिवलिंग है, मतंगेश्वर का नाम है, शिव जी का टेंपल। सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक पूजा अर्चना केवल जिस टेंपल में होती है। खजुराहो चंदेलों की रिलीजियस कैपिटल थी, एक्चुअली देश अटा 3 कैपिटल। खजुराहो को उन्होंने अपना रिलीजियस कैपिटल बनाया चंदेलाओं ने, और यहाँ से 70 किलोमीटर महोबा पड़ता है, वो चंदेलाओं की पॉलिटिकल कैपिटल थी। चित्रकूट के पास एक कालिंजर फोर्ट है, वो चंदेलाओं की सैनिक राजधानी हुआ करती थी। इस तरीके से उनकी 3 राजधानियाँ। इस पूरे ग्रुप को 1986 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये जो मॉन्यूमेंट बनाए गए इसमें प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है, जो दर्शन है, उसको बहुत खूबसूरती से, यानी कि जो डे टू डे लाइफ है, इसको स्कल्पचर के रूप में डिपिक्ट किया गया है। भाव भंगिमाएँ, अगर आप कपल देखेंगे, युगल कपल देखेंगे, तो उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट किया गया है। आपसे बताने, अगर कोई प्रेमिका पत्र लिख रहे तो लगता है एक्सप्रेशन उसका लगेगा बिल्कुल प्रसन्न चित्त मुद्रा में। यदि कोई युगल कपल वाइन ले रहा है तो लगता है बिल्कुल नशे की स्थिति में दिखलाया गया है। कोई लाफिंग मोड में, कोई सैड मुद्रा में, कोई थिंकिंग मोड में, ये बहुत खूबसूरती से डिपिक्शन किया गया। इसी के साथ में क्या है कि ये जो है मंदिर में मनुष्य जीवन के चारों पुरुषार्थ को दिखलाया गया, जो पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, कामा, मोक्ष, जो चारों पुरुषार्थ होते उनको डिपिक्शन किया। इसीलिए 5-10% कुछ एरोटिक स्कल्पचर की प्रतिमाएँ हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। जैसा कि लोग सोच करके आते कि फुल ऑफ स्कल्पचर बड़ा है, ये उनकी गलत धारणा है। इतना तो अब हम आपको वराह टेम्पल ले चलते हैं। मोनूमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, आर्कियोलॉजी ने इनको टेक ओवर कर ली, तो मोनूमेंट बन गए हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू वास्तु की बात करें, चर्चा की करें, तो जिस मंदिर में मूर्तियाँ खंडित होते हैं तो वहाँ वैसे भी पूजा अर्चना नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो तो इसमें कंदरिया महादेव ने शिवलिंग का खंडित करें, खंडित करें ऑर्नामेंटिक संरक्षित मंदिर है, इसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये किंग लक्ष्मण वर्मन के द्वारा 930 से लेकर के 950 ईस्वी के बीच बनाया गया था। इसमें गर्भगृह में भगवान वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, जब इसके ऊपर सनरेज पड़ती ना तो ऐसा लगता है जैसे विशाल चंदन की लकड़ियों का मंदिर आपके सामने, कहीं से नहीं लगता कि सैंड स्टोन का मंदिर है। ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर होता है, जितने खजुराहो के मंदिर बनाए, नॉर्थ इंडियन इंडो आर्यन नागर स्टाइल शैली मनाए जाते हैं। तो जो नागर स्टाइल है ना, उसका जो मुख्य जो विशेषता है कि ये मंदिर प्लिंथ लेवल से कम 2.5 से लेकर 3 मीटर ऊंची ठोस जगती के ऊपर बनाया जाता है, ये जो हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म। और जितने दक्षिण भारतीय टेम्पल हैं वो ग्राउंड लेवल से रेज करके ट्रायंगुलर शेप में बनाए जाते हैं, उनको वेशर द्रविड़ स्टाइल के नाम से जाना जाता है। और एक और विशेषता थी कि जो मंदिर है पंचायतन शैली को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब जो एक मंदिर उसके 5 पार्ट होते हैं, मेन स्ट्रक्चर सेंटर में होता है और चारों कॉर्नर पर उप मंदिर बनाए जाते हैं। यहाँ पर 5 नेचुरल एलिमेंट अग्नि, जलवायु, मिट्टी, आकाश को एक एक पार्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है ना, तो सामने वाला टेम्पल एक छोटा सा टेम्पल है, किसी समय में भगवान विष्णु का जो वाहन था ना गरुण, उसकी प्रतिमा रखी जो बाद में विष्णु जी के सामने होने के कारण उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा को प्रतिस्थापित कर दिया गया, तब से लक्ष्मी मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। चलिए अभी वराह टेम्पल खाली है, उसको हम किसी आगे। हाँ देखिए, अब हम वराह टेम्पल के ऊपर हैं, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर कार्विंग किया हुआ है मंदिर। ठीक है ना, है ड्यू टू सम नेचुरल क्लाइमेटिक प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, तूफान, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, इवन ए सन की रेज, हवा के झोंके, क्योंकि ये सैंड स्टोन है तो उसके कण अगर 100 साल बाद हो लंबे पीरियड में तो वो कण में इरोजन पैदा हो जाता है, कण निकलना शुरू हो जाता है, तो खंडन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना,
सेकंड रीजन सम मुगल इन्वेडर्स केम हियर, उनके द्वारा कुछ डिस्ट्रॉय किया गया। और तीसरा लोकल के पीपल में आर्ट के प्रति अवेयरनेस नहीं थी, तो कोई अच्छी मूर्तियाँ लगी तो निकालने की कोशिश की। ड्यूरिंग दैट टाइम किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर खंडित हो गया। इसको बोलते हैं उल्टा धनुष, उल्टे यानी कि ओम की आकृति के जैसे। इसको बोलते हैं मकर तोरण। तो मकर होता वो गंगा का वाहन होता, तोरणी से तो वेलकम मान। तो जब आप इसको देखेंगे टिनी टिनी स्ट्रक्चर दिखलाई देंगे, ऐसा लगता है डांस म्यूजिक करते, दे आर रेडी टू वेलकम द विजिटर्स। इस तरीके से प्रतीत होता है। ऊपर भगवान सूर्य देव की प्रतिमा है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन कर लो, ये मंदिर कितना खूबसूरत, कितना भव्य बना है। नौवीं शताब्दी के अंदर, नौवीं से बारहवीं शताब्दी, कितने खूबसूरत शिल्पकार रहे हैं, कितने सुंदर मंदिर का निर्माण किया। ये जो है आपका गणेश, जो जितना भी मंदिर के जो आउटर वॉल है, गणेश की प्रतिमा से स्टार्टिंग होता है, विघ्न विनाशक है गणेश जी देखेंगे। और गणेश जी का पूरा बॉडी का जो पॉस्चर देखेंगे ना, कैसा लग रहा नृत्य करते हुए गणेश को दिखलाई दे रहे। देखो उनका बॉडी का मूवमेंट, पैर का देखो ना। नॉट ओनली द गणेश डांसिंग देयर, द अटेंडेंट ऑफ द गणेश इज आल्सो डांसिंग देयर। वन अटेंडेंट इज प्लेइंग मृदंग, देखो मृदंग बजा रहा। और वन अटेंडेंट इज प्लेइंग बैंगो, बजाती दिखलाई दे, दिखलाई दे रहा था बैंगो। जो बैंगो है वो कितना आधुनिक वाद्य है, कांगो का रूप है। मतलब यानी कि 1100 साल पहले कितने सुंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखलाए गए गणेश की प्रतिमा के साथ में, ठीक है ना। और फिर ये जो बीच की बैंड देख रहे हैं इसमें, इसमें देखो डांस सीन ये देख रहा है, इस शिकार के, इस शिकार के दृश्य, एरोटिक पॉज ये देखो यहाँ पर, फिर डांस ऊपर वॉर सीन ये देखो, वॉर सीन। और ये देखो शिव पूजन भी हो रहा है। और ये देखो डांस म्यूजिक पूरा एरोटिक है, और ये पूरा बहुत। तो ये समय 9-12 सेंचुरीज के बीच की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ कैसी थी, उसको इस बैंड के माध्यम से दिखलाया गया, ठीक है ना। और फिर ये इसमें गणेश जी की प्रतिमा के बाद 9 प्लेनेट का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये शनि देव है, ठीक है ना, ये सैटर्न है शनि, और इसके बैक साइड में कौन होगा, शुक्र देव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन जो मुख्य प्रतिमा है, ये टॉप में भगवान विष्णु को दिखलाया गया शंख गदा पद्म चक्र के साथ में। ये भगवान शिव जी दिखलाए गए हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, ट्राइडेंट और रुद्राक्ष की माला, वाटर पॉच, नंदी बैठे, अभय मुद्रा में दिखे। ये भगवान विष्णु, ये शिव, उनके लेफ्ट में नारी सौंदर्य को बहुत खूबसूरती से डिपिक्शन किया गया, ठीक है ना। एक स्त्री आकाश की ओर देख करके देखिए क्या करी, अपने जो आलस को है उसको रिप्रेजेंट करी अंगड़ाई के माध्यम से, रिप्रेजेंटेशन करी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, लचक है बॉडी के अंदर। और ये एक स्त्री स्नान करके आई है, अपने बालों से पानी को रिमूव कर रही है, ठीक है ना, बालों को सुखा रही है। और ये पानी की डॉटेड 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 बूंद देख रहे हैं ना, इस सहज नेचुरल प्रकट करी कि मतलब अभी अभी आई है, यानी गड्ढे नहीं है कि गड्ढे हों, उसमें पानी की बूंदों को दिखलाया है। ये नागकन्या को डिपिक्शन किया गया है। और ये देखिए ये प्रेमिका है, उसके हाथ में पेपर कलम है, शी राइटिंग लव लेटर टू हर लवर, द फेशियल एक्सप्रेशन इज नाइस एंड द ब्यूटीफुल चीयरफुल मूड, प्रसन्नचित्त मुद्रा। तो जो एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने बताया प्रेमिका पत्र लिख रही है, बिल्कुल प्रसन्नचित्त उसको दिखाएंगे, जो वाइन लेते दिखलाए, तो बिल्कुल नशे की स्थिति में डिपिक्शन किया गया। देवताओं के गुरु कहलाते हैं सर, बृहस्पति, बृहस्पति गॉड ऑफ नॉलेज के रूप में जाने जाते हैं, बृहस्पति है। इसके बैक साइड में बुद्ध होंगे, मरकर, ये इस तरीके से सीक्वेंस में दिख रहा है। ये देख टॉप में देखो गॉड ऑफ फायर को दिखलाया गया, अग्नि देवता, ठीक है। अग्नि देवता की पहचान कैसे करते हैं, उनकी जो लॉन्ग बियर्ड है ना, दाढ़ी में नॉट बंधी हुई है, ये पहचान है, ये फायर चक्र पीछे चल रहा है। और ये देखो डायमंड देख रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मनुष्य के जो विकार होते ना, काम क्रोध लोभ, उनको दिखलाया गया अग्निदेव के साथ। अग्निदेव के साथ क्यों दिखलाया, क्योंकि हमारा जितने भी मानव लोग होते हैं उनके जीवन में ये विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये डिपिक्शन होते हैं। और ये कब होते हैं, जब हमारा शरीर अग्नि में जल करके भस्म स्वाहा हो जाता तो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ दिखलाया। ये देखिए यहाँ पर
देवताओं गंधर्व को दिखलाया, गंधर्व संगीत हो रहा, जो इंद्र वगैरह की सभा होती, जो देवताओं की सभा होती, जो वहाँ का संगीत कहलाता ना वो गंधर्व संगीत कहलाता। एक देखिए बांसुरी बजाते दिखलाई दे रहा है, एक वीणा बजाते दिखलाए, गंधर्व संगीत को दिखलाया। टॉप में भगवान विष्णु हैं, नीचे शिव हैं, ये तांत्रिक योगी हैं। पूर्णिमा अमावस्या के रात तांत्रिज्म चल रहा है, तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पर कवि कालिदास की जो नायिका ना शकुंतला का वर्णन किया है कि शकुंतला इतनी खूबसूरत थी कि जब स्नान करके सरोवर से निकलती थी तो उसके बालों से जो पानी की बूंदें टपकती थी मोतियों के समान सुंदर दिखलाई देती थी। यहाँ पर देखो हंसों का जोड़ा बैठा है, ये हंस पानी की बूंदों को मोती समझ करके ब्रह्मवत शकुंतला के पीछे पीछे चल दिया करते थे। अभिज्ञान शकुंतला में बहुत खूबसूरती से शकुंतला की सुंदरता को डिस्क्राइब किया है कवि कालिदास ने, ठीक है ना। अब देखो कॉर्नर पर देखें एक लेडी किस तरीके से हाउस होल्ड वर्क के लिए कभी जंगल जाती, लकड़ी लेने पानी भरने के लिए, तभी उसके कांटा लग जाता, अपने कांटे को रिमूव करते हुए दिखलाई दे रही। आगे चल करके आपको वैद्यराज जी मिलेंगे, कांटा निकालते हुए प्राइमरी उपचार देते हुए दिखलाई देंगे, योगासन प्राणायाम, कृष्ण की गोपी कहाँ कपड़े पहनना, कपड़े रिमूविंग करना, ढेर सारे दृश्यों के श्रृंखलाबद्ध तरीके से दिखलाए। इम्पोर्टेंट वन चंद्रमा बने, चंद्रदेव क्रिसेंट मून बना है, ठीक है ना। चंद्रमा इम्पोर्टेंट गॉड है, ये इनका ओरिजिनल ही चंद्रमा से हुआ। तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट में बता दूंगा ना, जो बनारस के प्रीस्ट थे, ठीक है ना, हेमराज, उनकी एक डॉटर थी हेमावती, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज बिलो इन अर्ली एज। एक समर सरोवर में स्नान कर रही थी, उनकी एक्सट्रीमली ब्यूटी को कौन देख रहा था, मून गॉड देख रहे थे। वो उनके ऊपर इम्प्रेस हो जाते तो वुमन फॉर्म में आते हैं उनके पास, उन दोनों लोगों का मिलन होता, उनके मिलन से जो संतान उत्पन्न होती वो उसका नाम रखा जाता चंद्रदेव वर्मन प्रथम, वो बालक होता। तो फिर वहीं से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स आता है। उन क्योंकि उनका मिलन कैसे हुआ था, अनलीगल हुआ था, तो उसको लीगल करने के लिए मतलब जो श्रापित जीवन को मुक्त करने के लिए ये जो हवन वेदियाँ बनाई गई मिट्टी पर, बाद में चंदेल डायनेस्टी के द्वारा अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में इन मंदिरों का निर्माण किया गया उन्हीं यज्ञ हवन वेदियों के ऊपर, ठीक है ना। तो वो चंद्रमा इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु ने जो शिव विष्णु के राइट में लेडी क्रॉस किए हुए देखो ऐसे क्या करे, सी इज वेयरिंग हर क्लोथ, अपने कपड़े को पहनते हुए दिखलाई दे रही है। और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द बॉल सी प्रैक्टिसिंग योगा, फिजिकल एक्सरसाइज करें, उसके हाथ में बॉल है तो हाथ की पूरी फिजिकल एक्सरसाइज करें। ये एरोटिक कपल दिखलाया गया, नेक्ड अवस्था में आई कॉन्ट देखो एक दूसरे में खो गए हैं। ये जो शिव जी इनके लेफ्ट में एक नारी मिरर में देख करके मांग में सिंदूर भरे श्रृंगार कर रहे, ऑर्नामेंटेशन बहुत खूबसूरती से डिपिक्शन किया गया, एक छोटा अटेंडेंट एक बड़ा अटेंडेंट, डेकोरेशन में वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं। ये देखो शिवरात्रि को जैसे और कोई भी फेस्टिवल में त्यौहार में शिव पूजन हो रहा है, ये देखो ये एनिमल फाइटिंग चल रहा है, ये देखो मल्लयुद्ध चल रहा है, रेसलिंग चल रहा है, ये देखो रेसलिंग चल रहा है, सभी चीज़ें, ये शिकार हो रहा है, ये देखो इधर शिकार हो रहा है, ये सहज नेचर एरोटिक पॉस्चर चारों पुरुषार्थ में दिखाई दे सूर्यदेव की आंखें बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि सूर्यदेव जो है ना हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में निकलते हैं और उनका माउथ कब है पश्चिमी दिशा की, डूबते हुए सूरज को दिखलाए, इसलिए अकॉर्डिंग टू वास्तु उनकी आँखें बंद है। और जब सूर्यदेव जब निकलते हैं जब डूबते हैं तो उनका रेडिश कलर होता है, लालिमा लिए होते ना, इसीलिए देखो रेड स्टोन तक का यूज किया है। तो हर मूर्ति को बहुत सोच समझ करके अकॉर्डिंग टू वास्तु और कैलकुलेटेड बनाया गया है, करते हुए दिखलाए दे रहे हैं ना, ये पिकअप कर रहे हैं ना। ये देखो जिस स्त्री को कांटा लगा ना, ये छोटे से बैग विराज दिए, पैर को लिपटक के कांटा निकाला, प्राइमरी उपचार देते हुए दिखलाए दे रहे हैं, ये देखो बहुत खूबसूरती है ना। ये देखो एक एक्सप्रेशन जिसकी मैं सॉरी सर मैं बात कर रहा था, ये डेट पाम का ट्री है, ये पॉट है बीच में, और पॉट में लोकल वाइन होती है ना जो डेट पाम से बनाई जाती है, जिसको हम लोग ताड़ी बोलते हैं, जो खजूर से बनाई जाती है। जब वाइन का सेवन कर लिए ना तो दोनों की आँखें देखो अच्छे संदूर को आँखें बंद है, लगता कि नशा चढ़ चुका है, ये देखो बिल्कुल एक्सप्रेशन। अगर दूर दूर से देखेंगे ना तो बाउल तक दिखलाई देगा आपको, ये देखो ये पॉट है और ये बाउल देखो, ये बाउल दिखलाएगी, बाउल में पोर करके दिखलाएगी, तो ये मुझे एक्सप्रेशन के लिए जानी जाती है। यहाँ से देखो बिल्कुल
ड्यूरिंग द फेस्टिवल क्या होता है, घर की जब हम लोग साफ सफाई करते, क्लीनिंग करते, तो लेडी क्या करती है, घर की पुताई करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, जो दिखाई दे रहा है ये देखो, इससे सिद्ध होता है कि जो खजुराव किस तरह से शरीर सभी कामों में कुशल और दक्ष हुआ करती थी। ये देखो नागकन्या का डिपिक्शन देखने को कटा हुआ है। अभी आपको ऐसी कुछ प्रतिमाएं मिलेंगी जैसे मंगल है, बुद्ध है, इनकी प्रतिमाएं खंडित हैं, तो वही अनुमान लग नेचुरल क्लाइमेटी मुगल इन्वेडर्स के द्वारा तीसरा जो तीन कारण मैंने बताया उसी में से। ये जो है ना पानी निकालने के लिए जो सेंटम से जुड़ा ना, जो पूजा का पानी आता था उससे ये जुड़ा हुआ है। तो आपका भाई गॉड ऑफ फायर अग्निदेव को दिखलाएगा, बीच में भी जो हेमावती मून गॉड की मैं बता रहा था ना, उनका मिलन दिखलाया पूर्णिमा की रात्रि को, और नीचे तांत्रिक युग उनको दिखलाया, तंत्रिज्म करते। और जो हेमावती अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये वो पकड़े हुए क्या कहते हैं हाफ मून पकड़े हुए दिख रहा है, बीच वाले दिखा आपको, आपको दिखा सबको दिखा। और ये देखो एक बार फिर से युगल कपल बाइन लेती दिखलाई दे रही है कॉर्नर पर ना, उसका मतलब ट्रेडिशन हुआ करता था ड्यूरिंग द फेस्टिवल वगैरह होते थे, घर में कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है तो वाइन का सेवन करते हुए नॉर्मल चीज़ थी उस समय। ये बुद्ध है यहाँ पर गुरु, यहाँ बुद्ध है कॉर्नर पर। कृष्ण की गोपी का बांसुरी बजाते दिखलाई दे रही, बहुत खूबसूरत देख रही बांसुरी बजाती बैक साइड से। और अगर बांसुरी को ऑब्जर्व करोगे तो उसके कुछ फिंगर चल रही, मूवमेंट हो रहा है देखो, ऊपर नीचे हैं। और यहाँ पर कलाई के पास भी कुछ जो है ऑर्नामेंटेशन बनाए पहनाए गए हैं उसको। और जो उनका जो बालों का जो जूड़ा है ना जिसको पब बोलते हैं, कितना सुंदर बना करके उस पर नॉट लगा दी गई और उसको भी डेकोरेटेड किया गया नीचे देखो पार्ट में है, तो कितना खूबसूरती से शायद मूर्ति को दिखाने के लिए सिर्फ कारण साथ बैक साइड से बना दिए कि पब देखें कितना सुंदर बांसुरी बजा। इसके ऊपर एक लेडी वो सी इज रिमूविंग हर क्लोथ, तो अपने कपड़े को रिमूव कर रही थी, कर रही ना वहाँ पहन रही थी, यहाँ पर रिमूविंग कर रही दोनों हाथों से वस्त्र, आधुनिक वस्त्र लेवी लेगी के जैसे लहराते रहते देखो पत्थर में भी डिजाइन सा वस्त्र बना कितना महीन। यहाँ पर कॉर्नर में एक लेडी वॉल पेंटिंग करे फाइन आर्ट ड्राइंग, वहाँ पुताई करी थी ब्रश मोटा था अभी कोई पतला है देखो ठीक है। और ये देखो इधर पर शनिदेव होते तो यहाँ पर शुक्र है, गनीमत शुक्र का फेस बच गया क्योंकि जो शुक्र का फेस होता ना साइनिंग लिए होता है चमकीला होता है, गॉड ऑफ अट्रैक्शन माने जाते हैं, सौंदर्य के देवता, अटैचमेंट के देवता और ऐश्वर्य के देवता भी माने जाते हैं ठीक है ना, ऐश्वर्य शुक्र। इससे बहुत सारी मूर्तियाँ सिंगल स्टोन से ही बनाई गई सब सर, बहुत सब, सारी मूर्तियाँ सिंगल स्टोन पे बनाई हैं, बाकी अंदर भी जोड़ी गई इंटरलॉक सिस्टम पे, पार्वती जी को अष्टभुजी दुर्गा के रूप में बनाए हैं। तो जो नाइन प्लेनेट में से सात प्लेनेट लेकर के मेन राहु केतु की जो है गणेश, गणेश की मदद पार्वती जी ठीक है। अभी धर्म शांति के प्रतीक चिन्ह मंदिर तक अंदर वाला पार्ट है ना वो पाँच भागों में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट जो है ब्लॉक है उसको बोलते हैं अर्धमंडप, या फिर इंट्रेंस डोरवे प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार है। और ये सेकंड द्वार उसको बोलते हैं मंडप, इंट्रेंस पोर्च गैलरी वाला पार्ट है ये वाला है ना मंडप है। ये उसी समय का शिलालेख लक्ष्मण भगवान की विजय के बारे में शास्त्रीय विस्तार की कैसे मंदिर निर्माण हुआ, देवनागरी लिपि में संस्कृत के साथ लिखा गया है यहाँ पर। बोलते महामंडप उस समय जो टेम्पल गर्ल्स थी ना जिनको हम लोग देवदासी के नाम से जानते थे, जब भी मंदिर के अंदर रिलीजियस सेरेमनी होती थी तो ये देवदासी प्लेटफॉर्म पर नृत्य गाएंगे। गॉड है भगवान विष्णु की बैकग्राउंड, विष्णु की प्रतिमा है, इम्पोर्टेंट पर्सन आर सिटिंग इन दोज बालकनीज टू वॉच द डांस एंड म्यूजिक ठीक है ना। यहाँ पर करते थे अभी तो जाली लगा करके बंद कर दिया हर ग्रज में क्योंकि पक्षी वगैरह आते थे, और जब नॉर्मल डेज होते थे तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान मुद्रा लगाया करते थे ठीक है ना। और ये जो मेन पार्ट है महामंडप का, ये महामंडप ना और जो मेन सेंटम वाला जो पार्ट उसके बीच पार्ट उसको बोलते हैं गैप अंतराल, गैप अंतराल, प्रीस्ट सिटिंग ओवर देयर टू कम्प्लीट द रिलीजियस सेरेमनी इन द ओल्डन डेज, बिकॉज ऑल दीज टेम्पल आर द एक्टिव टेम्पल ड्यूरिंग दैट टाइम, वहाँ पर एक्टिव टेम्पल थे उस समय में ठीक है। चौथा गर्भगृह, गर्भगृह भगवान विष्णु की थ्री हेडेड प्रतिमा लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा आपको जगह को छोड़ी दो कि रोशनी आ जाए सूरज की आपको, तो देखिए कितना खूबसूरत उनका साइंटिफिक प्रोजेक्शन था कि सारी स्पेशन या सारी जितनी भी रोशनी होती थी ना
सामने से और जितनी झरोखों से आए सब महामंडप पर कॉल करके रिफ्लेक्ट होके सीधी मूर्ति के ऊपर जा रही थी। कितना खूबसूरत इनका साइंटिफिक प्रोजेक्शन, इतना खूबसूरत था, बिल्कुल कैलकुलेटेड था। मूर्ति दोनों साइडों को डार्कनेस अंधेरा है, थ्री हैंड है, लेफ्ट हैंड नरसिंह होता, राइट हैंड गौरव होता है। ठीक है जी, प्रदीक्षणा पथ, प्रदीक्षणा पथ यानी कि कंसंट्रेशन के लिए। ये देखो दो एलिफेंट पुष्प वर्षा करें इसके ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर, तो ये गजलक्ष्मी का फॉर्म बना देते हैं, ठीक है ना। और ये वही अग्नि देवता है, लॉन्ग वर्ल्ड में नॉट बंदी, ये शार्दुल है, मन की इच्छाओं का प्रतीक है एनिमल। और ये स्वर्ग लोक की अप्सराओं सुर सुंदरियों को डिपिक्ट किया गया है, उनके ऊपर हेवनली म्यूजिशियन देखे डांस म्यूजिक कर रहे हैं, गंधर्व संगीत चल रहा। और ये लोक कलाकारों को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया, उनका रिदम पॉस्चर विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे परफॉर्म डांस म्यूजिक। देखो कोई मजीरा बजा रहा, कोई ढोल बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, देखते ही बनता है। टॉकिंग सिस्टम पर बनाया गया, ये जो पार्ट होता है एक रेज होता है, इसके अंदर एक होल होगा, इसमें इसको फिट कर दिया, इसे लॉक कर दिया जाता, सेपरेट सेपरेट ब्लॉक बना के नीचे से ऊपर जोड़ दिए जाते इंटरलॉक, क्योंकि उस समय सीमेंट वगैरह नहीं था। जो हजार भगवान विष्णु का चौथा इंकारनेशन नरसिंह अवतार, इसमें हाफ मैन हाफ लायन के रूप में भगवान विष्णु को दिखलाया गया, और हिरण्यकश्यप राक्षस का अपने नीलों से उसके पीठ को पेट को चीरते हुए दिखलाई दे रहा है भगवान विष्णु। और ये स्टार केसेस झरोखों में जाने के लिए हुआ करती थी, सभी जगह रखते, लेकिन खंडित हो ये बची, हम इससे अनुमान लगा सकते पहले के लोग कैसे इसका यूज करते हुए झरोखों में जाया करते। ये पैसेज है, पानी निकालने के लिए होल बना हुआ है, इस होल से ये ड्रेनेज सिस्टम है जिसका माउथ बाहर खुलता ना, जिसको हमने दिखाया था ये पानी निकलता था। विष्णु का एक और इंकार्नेशन है हयग्रीव अवतार, इसमें भगवान विष्णु का जो माउथ होता है वो घोड़े के मुख के जैसे होता है, हयग्रीव अवतार। इसी तरीके से महाभारत में एक राक्षस ने थी ना, उसका नाम था पूतना राक्षस, श्री कृष्ण उसको स्तनपान करके उस राक्षसनी का वध करते, देखो पूतना वध दिखलाया गया, पूतना वध। अमर अवतार है, छोटे से ड्राइव कट के विष्णु थे, थ्री स्टेप में धरती आकाश पाताल नाम के राजा वली का उद्धार किया था, वामन अवतार की सुंदर। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। अभी हमने लक्ष्मण मंदिर के अंदर का भाग देखा, अब हम बाहरी दीवार की कलाकृतियों को देखेंगे। हर डायनेस्टी का अपना अपना राज्य चिन्ह होता है ना, उसी तरीके से चंदेलाओं का राज्य चिन्ह ये है, बब्बर शेर के साथ लड़ते हुए चंद्रदेव वर्मन को दिखलाया गया, जो कि हेमावती मूनगॉड के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि 16 वर्ष की उम्र तक आते आते ये इतने पावरफुल हो गए थे कि एकमात्र स्टिक से बब्बर शेर का शिकार कर लिया। बाद में चंदेलाओं ने इसको अपने स्टेट सिंबल स्वीकार कर लिया और हर मंदिर की तरफ प्रतिस्थापित कर दिया। खजुराहो को एरोटिक देखने के लिए आसन दिए गए हैं, उनको नंबरिंग दी गई है, क्योंकि ये लेडी बैंड करके झुकी हुई है, बैक साइड से मेल यूनियन कर रहा है। इसका हेड कटा ये 3 का प्रोजेक्शन बना था, पोस्चर नंबर 73 है एक्चुअली, 73। और देखो ये 1 और ये 2 ओरल सेक्स क्रिया करती, पोस्चर नंबर 12 पूरी डिपिक्ट किया है। आमने सामने खड़े होकर के आलिंगन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पोस्चर नंबर 11 रिवर्स पोस्चर 69 ओरल सेक्स, ठीक है ना। हाँ, और ये देखो उनके कितने सुंदर बेड हुआ करते थे, ये देखो स्प्रिंग डार बेड हुआ करते थे, ये उनके चादर मतलब कितना कंफर्टेबल फील करते थे एक दूसरे को, मतलब सेक्स का पूरा पूरा आनंद लिया करते थे। जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं वो जो है हमसे बहुत एडवांस हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ लोगों को हर्बल मेडिसिन बनाते हुए दिखलाई दे रहे हैं, ओकली है, जड़ी बूटियाँ कूट पीस करके बनाया करते हैं, ठीक है ना। और उनको लेकर वाजीकरण की औषधियाँ लेकर के, ये देखिए एप्रोप्रिएट मैनर में खुल करके सेक्स क्रियाओं को संपन्न करते थे। ये देखो किस तरीके से सेक्स क्रिया चल रही है, ऊपर देखो हेड मसाज दी जा रही है, देखो रिलैक्सेशन भी हो यहाँ पर, काम यहाँ रिलैक्सेशन, ताकि पूरा आनंद लिया जा सके। ये देखो सब एक्टिविटी में खुल करके ग्रुप सेक्स दिखला, ये फिर वॉर सीन दिखलाया गया चंदेल डायनेस्टी की सेना वॉर सीन के अंतर्गत। और ये शिकार के दृश्य, ये शिकार देखो, ये एरो है, शिकार हो रहे हैं, शिकार के दृश्य।
इसी के अंतर्गत जो है वॉर सीन में एक अननेचुरल सेक्स को भी दिखलाया गया, जो कि कायदे से तो दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन चंदेलाओ ने किसी चीज को छुपाया नहीं है। देखो घोड़ी के साथ में सेक्स करते हुए दिखलाया गया। क्यों दिखलाया गया, उसका रीजन ये है कि वॉर सीन, वॉर में जो सेनाएं होती थी 6-6 महीने साल साल के लिए धूम में पड़ाव डाला करती थी, लेडीजों का जाना वर्जित हुआ करता था। तो जो सामान्य सैनिक अपने सेक्स डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पाते थे तो वो अननेचुरल तरीके से अपने को सेक्स को सेटिस्फाई कह करते थे, बिकॉज सेक्स इज ए वेरी नेचुरल थिंग, बिकॉज आवर बॉडी की हमारी नीड है। अगर ये हमको नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, तो ये नेचुरल चीज़ है। तो उसको लुक छुप करके देखो, फ्लेम जल रही है, लुक छुप करके ये सब अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। फिर ये देखो, ये गुरुकुल में नृत्य गायन के टीचर अपने शिष्यों को डांस और म्यूजिक की टीच शिक्षा देती हुई दिखाई दे रहे हैं। ये दो एलिफेंट, दो सेनाएं की आपस में टकरा जाती हैं मीटिंग पॉइंट के ऊपर। दोनों सेनाओं के एलिफेंट देखो खुल करके अपनी शक्ति का जोर आजमाइश कर रहे हैं। दोनों सेनाओं के पहलवान रेसलर अपनी शक्ति का जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ राजा बैठा जंगल में और ये मंत्रीगण बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा कि कल युद्ध में किस तरीके से व्यूहरचना बनाएंगे, कैसे युद्ध करेंगे। और जब डिस्कशन ओवर हो जाता तो नृत्यांगनाओं को बुला लिया, इंटरटेनमेंट हो रहा है यहाँ पर। देखिए इंटरटेनमेंट इज गोइंग ऑन। ये देखिए यहाँ पर प्रीस्ट बैठे हैं, ये वरवधु का प्रज्ञा संस्कार हो रहा है, ये फायर जल रही है, अग्नि सात फेरे लिए जा रहे हैं, ये दरवाजे के ऊपर द्वाराचार हो रहा है, ये शहनाइयाँ बजाई जा रही, मैरिज प्रोसेशन चल रहा, बारात चल रही है। यहाँ पर कैमल को दिखलाया गया है, कैमल तीन तरीके से यूज होते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, व्यापार, और उसमें सैन्य शक्ति का सामान ढोने के लिए यूज किया जाता। बाकी सैन्य शक्ति का चंदेल डायनास्टी की सैन्य शक्ति को डिपिक्शन किया गया, बर्ची ढाल कपाड़ कटारी के साथ उनको जो है दिखाया गया चंदेल सैनिक। धूप पड़ती है, लगता है ऐसे जस्ट लाइक चंदन की लकड़ियों का मंदिर। अब देखो इसी में अगर देखेंगे तो इसमें दो पार्ट दिखलाई दे रहे हैं। देखो एक तो वो है रेज पार्ट होगा इसके ऊपर का होल है, देखो क्योंकि अंदर होल कहीं नहीं दिखलाई देते, ये होल इसमें से फिक्स करके ऐसा लॉक कर, तो ये हजार हजार साल तक टिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए कॉलम से बना करके इंटरलॉक सिस्टम। ये बहुत सारे यहाँ के अवशेष हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। खजुराहो को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ थीं जो यहाँ आकर दूर हुईं। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। खजुराहो की कलाकृतियों में मात्र 5-7% ही एरोटिक पोस्चर्स हैं। इसके अतिरिक्त मानव जीवन एवं आध्यात्म दर्शन की कलाकृतियाँ हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। आगे हम खजुराहो पार्ट 2 में यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का दर्शन भ्रमण करेंगे, साथ ही जगदम्बी टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल का दर्शन भ्रमण भी करेंगे। खजुराहो पार्ट 2 का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं खजुराहो पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।